हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप्त सरकार और मैं आज आपके सामने आया हूं ये उबर लाइफ का सोफा कम बेड लेके। इसे मैंने ऑनलाइन से परचेज किया है। ये 3-in-1 सोफा कम बेड है। वैसे तो ऑनलाइन में इसे 3-in-1 सोफा कम बेड बोला जाता है, बट मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से इसे 5-in-1 में कन्वर्ट किया है। सो यानी आप 5 तरीके से इस बेड सोफा कम बेड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके मटेरियल की और इसके क्वालिटी की बात कर लेता हूँ। इसके जो कपड़े का क्वालिटी है, जो मटेरियल आप देख रहे हो, ये जूट का है, जिसके वजह से ये काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। यानी अगर आप इसे शिफ्ट भी करते हो अपने घर पर, बट हाँ, संभाल के शिफ्ट करना है। इसमें कोई तरह का स्क्रैच नहीं लगना चाहिए। या आपका फ्लोर जो है वो थोड़ा मार्बल का हो या फिर टाइल्स का हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर नॉर्मली कोई थोड़ा सा रफ सरफेस में आप इसे ले यूज़ कर रहे हो तो इसे घसकाइएगा जब, तो उठा के शिफ्ट करिएगा, अदरवाइज़ ये जो कपड़ा है ये फटने का डर है। सो बेसिकली जब मैंने अभी कहा आपको कि इसे उठा के शिफ्ट करिएगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना बड़ा सोफ़ा है, काफ़ी वेट होगा, तो इसे मैं उठाऊंगा कैसे या उठाऊंगी कैसे। सो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सोफ़ा है ये काफ़ी लाइट वेटेड है, जो सबसे अच्छी बात है इसकी कि ये बहुत ही लाइट वेटेड है। यानी इसे आप अपने हाथ से ही आराम से अकेले उठा सकते हो और शिफ्ट कर सकते हो, इसे खोल सकते हो और बंद कर सकते हो, जो इसका एक पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है इसका ये मटेरियल, जो कि एक जूट का बना हुआ, यानी ये जो कपड़ा है काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रेंथ है, हाँ, बट आपको संभाल के यूज़ करना है। फोर्थ जो है कम्फर्ट, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब आप एक सोफा लेते हो तो वो कितना कंफर्टेबल है, उसे यूज करना कितना कंफर्टेबल है, आप उसमें बैठते हो या सोते हो, तो क्या ये आपको आराम देती है। तो अगर ये पॉइंट को आप मुझसे पूछोगे मेरे 7 days के यूज के बाद, बिकॉज मैंने इसे 20 तारीख को मंगाया था और आज 27th of January है 2023, सो मैंने इसे 7 days यूज किया है। सो आफ्टर यूज आई कैन से यस, इसमें काफी कंफर्ट है। आपको मैं दिखा देता हूं, बैठ के मैं आराम से इसमें बैठ सकता हूं, बहुत ही कंफर्टेबल है। 3-in-1 है, यानी 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं, इसमें आराम से 3 लोग जो हैं इसमें आजू बाजू बैठ सकते हैं, 2 लोग तो बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। सो बेसिकली बहुत ही आराम है। और इसमें जो ये पीछे का जो आप इसने बैक का जो कवर दिया हुआ है, ये भी काफ़ी हाइट है इसमें, ये छोटा नहीं है। सो इसके वजह से आपको आपके बैक को पूरा रिलैक्स मिलता है, आप आराम से बैठ सकते हो, आप टीवी देख सकते हो, यहाँ बैठे बैठे आप कुछ काम कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो जिनका घर थोड़ा छोटा है, जैसे मेरा ये घर, ये रूम जो आप देख रहे हो काफ़ी छोटा है और यहाँ पर और भी बहुत सारे सामान हैं, सो मुझे जब भी मुझे रिकॉर्ड करना होता है या कोई भी काम होता है तो मुझे सामान को शिफ्ट करना पड़ता है। सो ऐसे जगह पे तो ये काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इसके लाइट वेट होने के कारण आप इसे आराम से शिफ्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, और इसके लाइट वेट होने के कारण आप इसका इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हो। यानी जब आप सोने जा रहे हो तो आप इसे बेड की तरह यूज़ कर सकते हो, बाद में आप जब घर पे जब सुबह उठते हो तो आप इसे वापस से सोफ़ा बना सकते हो, और भी जो जितने भी तरीके हैं उन्हें भी मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट चीज़ जो है इसका जो मटेरियल, जो अंदर का जो इसका जो फोम है वो कैसा है, ये भी बहुत एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में जब मैं ख़रीदने वाला था कि ये फोम कैसा होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं होगा, किस क्वालिटी का होगा। सो आई एम टेलिंग यू, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि इसका जो फोम है, अभी 7 days ही हुआ है, सो इतनी जल्दी बताना भी आई गेस थोड़ा जल्दी हो जाएगी, इतनी जल्दी इसके बारे में रिव्यू देना, बट हाँ 7 days के हिसाब से मैंने जो देखा है कि इसका जो फोम है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये जो फोम है इसका एक सबसे जो बेस्ट बात है, इसकी क्वालिटी अच्छी होने का सबसे अच्छा परिणाम ये है, जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि जब मैं उठूँ तो वो दिखाएं कि किस तरह से ये अंदर चला जाता है। जैसे नॉर्मल सोफ़ा में होता है कि जब आप बैठते हो कहीं किसी जगह पे फोम में, तो वो आपके वेट के हिसाब से वो अंदर चला जाता है, वो दब जाता है। सो मैं अभी उठूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से दब गया है। सो प्लीज़ टेक अ लुक, अगर आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा दिखाइए। सो ये अभी सोफ़ा थोड़ा दबा हुआ है, बट सूनर और लेटर जैसे ये धीरे धीरे आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा, बट मैं देख पा रहा हूँ सामने से, ये धीरे धीरे वापस से नॉर्मल हो जाता है, अपने पोजीशन में आ जाता है। अगर आप बहुत देर तक, यानी 15 मिनट्स या 20 मिनट्स तक आप इस पर नहीं बैठते हो, 5-10 मिनट्स इवन आई कैन से, ये वापस से नॉर्मल हो जाता है। यानी ये जो क्वालिटी ऑफ फोम का जो क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छा है, जो कि अपने आप एडजस्ट करता है आपके वेट को, और फिर वापस से वो नॉर्मल भी हो जाता है जब आप उठ जाते हो। यानी अगर आप साइड में भी प्रेशर देके बैठते हो और बहुत देर तक बैठे हो और आप कुछ कर रहे हो और वो जगह प्रेशर से दब जाती है, तो वापस से वो नॉर्मल भी हो जाती है, तो इन दैट केस ऑल्सो इट्स गुड। रही बात सोने की,
तो आई विल सजेस्ट कि जब आप सोते हो रात को, तो इसे जब आप इसे बेड की तरह यूज़ करते हो, तो इसके ऊपर आप एक गद्दे का इस्तेमाल कर सकते हो जो नॉर्मली हम घर पे करते हैं। वो गद्दे जो रुई की बनी होती है, अच्छे क्वालिटी की जो गद्दा होता है, उसे अगर आप इस बेड के ऊपर, जैसे हम अपने नॉर्मल बेड के ऊपर रख के सोते हैं, जैसे अगर आप लकड़ी का कोई बेड खरीदते हो उसके ऊपर एक गद्दा भी लगाते हो, वैसे ही इस बेड के ऊपर आप अगर एक गद्दे का इस्तेमाल करते हो और सोते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, आपके बैक को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा, सुबह उठ के आपके बॉडी में पेन नहीं होगा। इवन मैंने इसे विदाउट गद्दा भी यूज किया है, सो आई कैन से नहीं, ये बुरा नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस है। बट हाँ, रात को सोने की बात है, बहुत लंबा आप लंबे लंबे समय के लिए आप सोते हैं, आपको एक अच्छी नींद की जरूरत होती है ताकि आप पूरा दिन फ्रेश स्टार्ट कर सके, अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सके। तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि इसके ऊपर एक गद्दे का जरूर इस्तेमाल करिए। इसके साथ आपको कुशन भी मिलता है जो कि इस बेड के डिजाइन के हिसाब से होता है, आप अलग अलग कुशन के डिजाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो जो कि ऑनलाइन मिलता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ता है। अगर आप कुशन नहीं चाहते तो आप कुशन को बिना ऐड किए हुए भी सोफा ला सकते हैं, जैसे मैंने खरीदा, मैंने सिर्फ सोफा खरीदा, इसका कुशन मैंने नहीं लिया, बट आप अगर चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाकी फीचर्स का कमाल, यानी आप इसे किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आइए, लेट्स सी, सो लेट्स स्टार्ट। सो कैमरा से मैं कहना चाहूंगा वो पास आए और इसके फोल्ड, जो मैं फोल्ड कर रहा हूं, इसे जो ओपन कर रहा हूं, उसे रिवील करें कस्टमर्स के लिए। सो आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है ये फोल्ड होता है इस तरह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ये फोल्ड होता है, ये गया नीचे, अब मैं आपको दिखाऊंगा ये जाएगा पीछे, ये देखिए ये इस तरह से पीछे चला जाता है। थोड़ा सा मैं इसे आगे करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो ये जो फोल्डेबल पोर्शन है, यहाँ एक फोल्ड है, एक फर्स्ट फोल्ड है, ये एक फर्स्ट फोल्ड है जो कि इस तरह से नीचे चला जाता है, ये एक सेकंड फोल्ड है जो सोफा का आपका बैक का कवर था वो वाला है। सो अभी जो दिखा रहा हूँ मैं, ये सोफा को ओपन करके आप थोड़ा सा और स्पेस बना सकते हो और यहाँ पे भी बैठ सकते हो आराम से, इवन एक सिंगल बेड की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो, आप इसमें सो सकते हो, आप इसमें बैठ के मैच देख सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, आराम से रेस्ट भी कर सकते हो, थोड़े वक्त के लिए आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। इवन अगर आपके घर में दो तीन लोग हैं और आप बैठ के बात करना चाहते हैं तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। कोई अभी मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि आप वो उन्हें आपको दिखाएं, कस्टमर्स को दिखाएं, यानी जो व्यूअर्स हैं उनको दिखाएं कि यहाँ पे एक थर्ड कट है, यानी ये तीन कट में आता है। पहला जो मैंने आपको दिखाया था पीछे था, फिर ये वाला था जो कि आपका बैक का कवर था, और अब यहाँ पे है एक कट जिस जो कि इसको ओपन करने में यूज़ होता है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बन जाता है आपका एक बेड। सो ये बन गया आपका बेड जिसमें दो लोग आराम से सो सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो प्लास्टिक है जो कि बहुत गंदा सा दिख रहा है, ये क्या है और ये क्यों है यहाँ पे। सो बेसिकली क्या है, ये जो पूरा बेड है, ये जो ये प्लास्टिक सीट आप देख रहे हो, इससे कवर्ड होके आता है। मैंने इसे ओपन करके यहाँ पे इसीलिए रखा था ताकि आपको मैं दिखा सकूं, ये काफ़ी मजबूत है, ये जो प्लास्टिक शीट है ये भी काफ़ी मजबूत है, यानी जब ये आता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अपने वीडियो में, वो जो पैकेज में आता है, जिस तरह से पैकेजिंग में आता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे कि ये बेड खराब ना हो। सो ये प्लास्टिक शीट को आपको बस एक कैंची लेनी है और इसे ऐसे काट देना है और ये आपके बेड से अलग हो जाएगा। बट हाँ, ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे काट रहे हो तो ये आपके जो आपका जो जूट का ये जो कपड़ा है इसे ना काटे। सो नाउ आपका ये बेड तैयार है, आप इसमें आराम से सो सकते हैं, आराम से लेट सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉलिड है, काफी सॉफ्ट है, जिस तरह से आप देख रहे हो, ये काफ़ी सॉफ्ट है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी नींद आती है। और छोटा सा रूम इसलिए मैंने दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि इतने छोटे से रूम में भी आप इस बेड का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आपको इसे करना आता हो तो। ये बहुत ही अच्छा एक सोफा कम बेड जो कि मैंने दिखाया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काउच की तरह से किस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो लेट्स सी, ये जो छोटा वाला पार्ट है इसे आप इस तरह से फोल्ड कर दें, बेड थोड़ा छोटा हो जाएगा ज़रूर, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इसे थोड़ा छोटा कर दीजिए और आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसे रिलैक्स कर सकते हो, अपने हाथ को रख सकते हो, आप बैक को भी सपोर्ट में रख सकते हो और बैठ बैठ के बात कर सकते हो। थोड़ा सा स्पेस अगर आपको कम करना है, जैसे बेड का साइज़ है नॉर्मल साइज़, उसे थोड़ा सा छोटा करना है, तो आप इसे इस तरह से उठा दो, इसे घसा दो और वॉल के साथ थोड़ा सा सपोर्ट, वॉल के सपोर्ट पर रख दो और आप इसका इस्तेमाल आराम से एज ए काउच या छोटा बेड की तरह कर सकते हैं। Now, अभी मैं फिफ्थ वे में आपको दिखाता हूं कि फिफ्थ वे क्या है, जिस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने इसे अब रिवर्स कर दिया है, यानी घुमा दिया है। अब आप देख सकते हो जो छोटा वाला पार्ट है, इसे आप आराम से देख सकते हैं, ये छोटा वाला पार्ट कैसे फोल्डेबल है। इसे पहले ऐसे ओपन करना है, ये नीचे चला गया। अब मैं इसे बनाऊंगा एक आरामदायक काउच, सो ये भी पीछे चला गया और ये बन गया आपका एक बहुत ही आरामदायक और बहुत ही रिलैक्स करने वाला काउच, जहां बैठ के आप मूवी देख सकते हैं, जहां बैठ के आप टीवी देख सकते हैं, जहां बैठ के आप म्यूजिक का आनंद
आनंद ले सकते हैं, आपके बैक को भी बहुत सपोर्ट मिलता है, आपके नेक को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। और अगर आपके पास एक पिलो है या फिर एक कुशन है तो उसे आप सर के पास रख के आप अपनी आंखें बंद करके आराम से अपने म्यूजिक का आनंद लीजिए और अपने इस सोफा को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। सो ये था ये सोफा कम बेड, जिसे हम 5 तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर ये कपड़ा फट गया या फिर ये गंदा हो गया तो इसका क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेन दिया हुआ है जिसे आप आराम से खोल सकते हो, ये रिमूवेबल है, इसे खोल के आप इस क्लॉथ को निकाल सकते हो। इसके अंदर का फोम भी आप देख सकते हैं कि किस क्वालिटी का फोम है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है इसमें आपके वेट को लेने का। इट्स नॉट दैट बैड क्वालिटी, कि बहुत ही बुरा क्वालिटी का नहीं है, बहुत काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। सो ये जो कवर है इसे आप रिमूव कर सकते हो, इसे वॉश कर सकते हो, अगर फट जाए तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। सो ये ऐसे चेन सिस्टम के जैसा है, चेन के साथ आता है और काफ़ी लाइट वेटेड है। आप देख सकते हो मैं अपनी एक उंगली से भी इसे उठा सकता हूँ, इतना लाइट वेटेड है। एक उंगली से मैंने इसे उठाया, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना लाइट वेटेड है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में और साइजेस में अवेलेबल है। जैसे ये 3-in-1 सोफा है, यानी यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, वैसे 4-in-1 सोफा भी है, 2-in-1 सोफा भी है। आप जाइए और जाके देखिए, आपकी जो जरूरत है उस हिसाब से आप इसे बाय करिए और एंजॉय करिए। सो आपको मैंने दिखाया मेरा 5-in-1 सोफा कम बेड, जिसे आप काउच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही लाइट वेटेड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी है। और ये आता है सिर्फ और सिर्फ 10,000 में। 10,000 के बिलो में भी अगर आप डिस्काउंट में अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको ये डिस्काउंट में भी मिलेगा और 10,000 के नीचे ही मिलेगा। इसे आप EMI में भी खरीद सकते हो। मैं इस प्रोडक्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जरूर जाइए और इसे बाय करिए। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जिनका जो काम है वो शिफ्टिंग वाला, यानी आप घर हमेशा साल दो साल में शिफ्ट करते हो, या फिर आप जैसे कि आपका घर छोटा है, जैसे मेरा ये रूम बहुत छोटा है, मेरा ये स्टूडियो बहुत छोटा सा है। सो अगर आप एक ऐसे घर पर रहते हो जहाँ पर स्पेस का इशू है, या फिर इवन आपके घर में आप एक एक्स्ट्रा सोफा चाहते हो जिसे आप कई तरीके से यूज़ कर सको, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के रूम में या फिर हॉल में जिसे आप कई तरीके से यूज़ करना चाहते हो, तो ये परफेक्ट है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी है, लाइट वेटेड है एंड कई तरीकों से यूज किया जा सकता है। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप एक सोफा कम बेड कम काउच की खोज में हैं, सो डेफिनेटली इसे बाय करिए। ऑनलाइन अवेलेबल है, इसके अपने साइट पे भी ये अवेलेबल है, सो आप जा सकते हैं, इसे खरीद सकते हैं और हो सके तो मुझे थैंक यू भी कह सकते हैं लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लाजवाब प्रोडक्ट्स के बारे में आगे भी मैं आपको रिव्यू देता रहूं, बताता रहूं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो आपके लिए डे टू डे लाइफ के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। लव यू।